गाइस अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम है तो हमारे यहाँ चोंगे बनते हैं, तो चलिए बनाते हैं। ये मैदा है, अभी हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे एंड देन वी गोना ऐड अ स्पून ऑफ घी। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। So here we are adding a cup of milk. और फिर पानी डालकर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए डो हमारा तैयार है, अब इस पर थोड़ा सा हम ऑयल लगाकर रख देंगे। रेस्ट करने के लिए हम लोग रख देंगे डैम्प क्लॉथ या फिर ऐसे ढक कर आप इसे रख दो साइड में। देखिए हाफ एन आवर से ज्यादा हो गया है, मैंने इसे की अच्छे से मालिश कर ली है गीले हाथ से। और अभी देखिए इसको इस तरह से अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है मैंने। और अभी हम इसके छोटे से पेड़े बनाएंगे। अभी हम थोड़ी सी शुगर ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड हो गई है, मैं इसे बॉल में निकाल लूंगी। अभी हम इसे हाफ कट कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। तो मैंने इस तरह से इसे स्प्रेड कर लिया है अच्छे से रोल करते हुए। और अभी हम इसे कट करेंगे इक्वल पीसेस में। आई एम होल्डिंग कैमरा विद माई वन हैंड एंड यूजिंग अनदर हैंड, तो इट्स बिट डिफिकल्ट। अगर आप दोनों हाथों से करोगे इट्स वेरी इजी। तो इस तरह से आपने कट्स कट कर लेने हैं सारे छोटे छोटे इक्वल साइज के, और इसे इस तरह से रोल कर लेना है। तो ये आपका इतना छोटा सा पेड़ा होना चाहिए। तो भाई मैं सारे बना लेती हूँ। मैंने सारे पेड़े जो है वो बना लिए हैं। ये पहले मैं बेल लूंगी सारे। इसे आपने हवा में नहीं रखना है। अगर आप हवा में बैठकर बेल रहे हो तो फिर आप इस पर एक डैम्प क्लॉथ उड़ा दो ताकि ये हवा से इसके ऊपर पपड़ी ना आ जाए। पहले मैं ये सारे बेलकर एक साइड में न्यूज़पेपर पर रख लूंगी, फिर उसके बाद मैं ये बनाऊंगी, फिर हम उसे एक साथ फ्राई कर लेंगे। ठीक है। सो बेसिकली ये बताना भूल गई थी कि ये मैदा होता है, आप सभी को पता ही होगा मैदे से ही बनते हैं ये। ये मैदे की खुश्की है, खुश्क आटा है। और अभी हम इसे बेल लेंगे। कुछ इस तरह से हमने इसे बनाया है, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो। और इस तरह से सारे एक साथ हम बेल कर रख लेंगे, फिर एक साथ ही फ्राई कर लेंगे। हमारे सारे बेल कर रेडी हैं, तो अभी हम कढ़ाई मैंने रख दी और अभी ऑयल हीट कर लेंगे। तेल गर्म हो गया तो अभी हम इसमें इस तरह से डाल लेंगे, इस तरह से प्रेस करते हुए साइड में आपने इसे फ्राई करना है अच्छे से। दोनों साइड लाइट येलो होने तक आपने इसे फ्राई करना है। इस तरह से जस्ट पे प्रेस करोगे तो ये हल्की सी फूलेगी। इस तरह का कलर काफी है, हम इसे निकाल लेंगे। अभी इस तरह से मैंने एक पेपर रख लिया है, इस पर हम डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोख हो जाए। और अभी जो ये मैंने ब्लेंड करके रखी थी शुगर, पाउडर शुगर, वो हम इस पर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। सारे इसी तरह से करने हैं। जैसे आप इस तरह से प्रेस करोगे तो ये अच्छे से फूलेगी। बस एक से दो मेंबर्स हो तो इट विल बी गेट वेरी इजियर, ताकि एक बेल एक सेके और फ्राई करे और फिर शुगर स्प्रेड करने के लिए स्प्रिंकल करने के लिए। आई मेड ए मिस्टेक, मैंने सारे एक के ऊपर एक डाल दिए तो ये पूरे एक के ऊपर एक तरह से स्टिक हो गए हैं। कुछ ऊपर ऊपर के थे तो वो निकल गए। पर आप इस तरह से मत कीजिएगा, अतराफ से मतलब साइड बाय साइड रखिएगा, एक के ऊपर एक मत डालिएगा। बहुत ही यम्मी टेस्टी से ये चोंगे, सवाली भी इसे कहते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।